हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। क्योंकि तो टाइमिंग होता है, डेली करंट अफेयर का सेशन लिया जाता है। कल करंट अफेयर का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आता है, सभी ने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया था, सभी लोगों ने वीडियो वॉच की थी और कमेंट भी मैं देख रहा था सभी लोगों ने दिया। तो आज है 2 मई, सभी को पता है, और आज की डेट के करंट अफेयर का सेशन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी मैं सेशन में लेने जा रहा हूँ। जो कि आपने पहला क्वेश्चन देखा ही होगा कि हेमा भराली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला हुआ। तो ये पहला टैगलाइन में आप लगा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि डेली 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और इसके बारे में कुछ जानकारी बता दूँ तो जो हमारे यहाँ बंदे लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और यूपी फॉरेस्ट गार्ड हमारे यहाँ कवर किया जा रहा है, और देखेंगे तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हमारे यहाँ कवर किया जाए। जो भी लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए, जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो लाइक करके तुरंत शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। तो और जानकारी दे दूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जो PDF आप लोगों को मिलती है, वो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टारगेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अप्रैल 2020 में किससे कोरोना वायरस से जंग दिल्ली के संघ की शुरुआत की है, किसने की है, अजय भटनागर ने की है, एम अखया ने की है, अरुण मिश्रा ने की है, SN मिश्रा श्रीवास्तव ने की है, किसने की है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर, उम्मीद है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो इस पहले क्वेश्चन का देखते हैं, सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है। तो इस पहले क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, SN श्रीवास्तव। और इनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊँ तो 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव को आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस की संघ की शुरुआत इन्होंने की है। और इनके बारे में और कुछ जानकारी बताऊँ तो संस्थान आयुर्वेदिक द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपायों के माध्यम से पुलिस फ्रंटलाइन COVID-19 योद्धाओं के लिए स्वास्थ्य को लिए बनाए रखने के लिए ये चीज़ें सब ला रही है। तो ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे, ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी शतरंज। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो दूसरे प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन जो भी है बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग बी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है फुटबॉल। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे, और इन्होंने 2005 में मोहन बगान रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये तो था दूसरा प्रश्न, चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। हेमा भराली अप्रैल 2020 में निधन हो गया, उसे किस वर्ष पद्मश्री मिला था। तो इनके बारे में कुछ बताऊँ तो 2003 में मिला था, 2005 में मिला था, 2007 में मिला, 2009 में मिला था। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो तीसरे प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 2005। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो भराली को 2005 में पद्मश्री मिला था, जो कि बता ही चुका हूँ, और 2006 में उन्हें गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक संप्रदाय के लिए नेशनल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये जो था तीसरा प्रश्न, चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। निम्न में से कौन अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलाने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित करने वाला पहला पोस्ट ऑफिस बना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। चौथे क्वेश्चन का देखते हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, हजरत निजामुद्दीन। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं, हजरत निजामुद्दीन RPF पोस्ट ने इसके तहत डिस्पेंसर लगाने वाला पहला देश स्टेशन बन गया है। और ये बताऊं तो ये पैर पैडल को धकेलने वाला, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का छिड़काव करता है। तो ये तो था चौथा प्रश्न, चलते हम लोग पाँचवें प्रश्न पर। निम्न में से किसने
किसको एंटीवायरल ड्रग फेविपियर क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है? कैंडिला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन लिमिटेड। इस पांचों प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देंगे और करेक्ट आंसर कौन दे रहा है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा राइट आंसर है। इसका बी ऑप्शन जो भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो देखा जाए तो ड्रग्स कोविड 19 को संभावित उपचार के लिए ये निरीक्षण किया गया है कि ये ग्लेन फार्मा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को ही काम दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी बोला है जापान के फुजी फिल्म होल्डिंग काप के लिए एक इकाई द्वारा ब्रांड का एवलिन इन्होंने किया है, कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए मदद करेगा। तो चलते हम लोग छठे प्रश्न पर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि हर वर्ष श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो इस छठे क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई जो कि हर साल मनाया जाता है। इस दिन कुछ देशों में मजदूरी दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में इनको जाना जाता है। श्रमिक वर्ग का जश्न मनाया जाता है इसमें। और इनके बारे में कुछ जानकारी दी तो यह पहली बार 19वीं शताब्दी में अंत में मनाया गया था। तो ये तो था छठा प्रश्न, चलते हम लोग सातवें प्रश्न पर। आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब पूरे देश में मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। तो एक सातवां क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सातवें प्रश्न का देखते सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सातवें प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, 30 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। देखा जाए तो इस दिन विशेष योजना के तहत जिसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शुरुआत की थी, आयुष्मान भारत योजना के कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हम लोग आठवें प्रश्न पर। निम्न में से किसने लॉकडाउन के दौरान किससे आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी की है? अमेजन ने, अजियो ने, मिंत्रा ने, फ्लिपकार्ट ने। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं और कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। तो आठवां प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, फ्लिपकार्ट, जो कि आपके हाल ही में काफ़ी योगदान उन्होंने किया है और कोरोना वायरस के चलते उन्होंने मास्क भी ऑनलाइन डिलीवरी उन्होंने चालू कर दिए। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी उन्होंने की है। मेरू भारत का ऐप आधारित राइड हेल्डिंग कैब ऑपरेटर है जिससे महिंद्रा और महिंद्रा बहुमती हिस्सेदारी रखता है। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो स्वच्छता आपूर्ति श्रृंखला के तहत बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद में किराने व आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने में मदद करेगा, जो कि फ्लिपकार्ट ने बोला। तो चलते हैं हम लोग नवे प्रश्न पर। निम्न में से किसने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा? IIT कानपुर ने, IIT खड़गपुर ने, IIT जम्मू ने, IIT बॉम्बे। तो नवे प्रश्न का उम्मीद है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नवे प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, IIT जम्मू। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो इस डिजाइन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और प्रोटोजाइम के अनुपात के अनुसार 3D प्रिंटिंग का भी उपयोग इसमें किया गया। और IIT जम्मू ने कई अन्य टीमें वेंटिलेटर, यूनि सैनिटाइजर चैम्बर और 2 से 3 उत्पाद विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो था नवे प्रश्न। और आज का बेहतर क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है, सभी लोग उस पर नज़र जरूर रखिएगा। निम्न में से किस राज्य ने एक डॉक्टर को जापान सरकार के आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? मणिपुर ने, त्रिपुरा ने, नागालैंड ने, सिक्किम ने। किसने सम्मानित किया है? तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही राइट आंसर है जो भी लोग देंगे बहुत ही बेहतर आंसर है क्योंकि और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये।
और इसका जो मैं राइट आंसर बता दूँ, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है मणिपुर। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो मणिपुर के एक डॉक्टर जापान भारत सरकार को आर्ट ऑफ राइजिंग के संघ से सम्मानित किया गया। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए सम्मानित किया सम्मान समारोह किया गया। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग एंड सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियाँ और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये सब संरक्षण किया गया। मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी आप लोग बता दूँ तो राज्य पशु जो आपका संघाई है और राज्य पक्षी जो आपका श्रीमती ह्यूमन के तीतर है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊँ तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। तो ये तो था हम लोगों का आज का 2 मई का करंट अफेयर। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके तुरंत तुरंत शेयर कीजिए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि वीडियो खत्म हो गई और जो भी लोग पीडीएफ चाहते हैं पीडीएफ टारगेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। तो जो भी लोग देख